अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के टेलको निवासी तपन दास की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी, उसके प्रेमी सुमित सिंह और साथी सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दोनों को सजा सुनाई। न्यायालय ने इस मामले में 27 जनवरी को ही सभी को दोषी करार दिया था। सजा के अलावे न्यायालय ने धारा 302 में सभी को 5,000 रुपए जुर्माना और धारा 201 में 2,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं तपन दास की 9 वर्षीय बेटी के देखभाल के लिए डालसा को पत्र लिखा गया है। MGM थाना कांड संख्या 519 में धारा 302 और 120 बी के 201 के तहत श्वेता दास, सोनू लाल और सुमित सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामला था कि 11-12 की रात्रि में श्वेता दास का पति तपन दास के गुमशुदगी होने की सूचना 15 तारीख को टेलको थाना में श्वेता दास के द्वारा दर्ज कराई गई थी। बाद में 17 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कुल 10 गवाहों की गवाही हुई थी और न्यायालय ने पाया कि श्वेता दास ने ही अपने पति की हत्या अपने सहयोगी सुमित सिंह और सोनू लाल के साथ मिलकर के करवा दी थी, जिसमें कि उसको आज आजीवन कारावास और 5,000 रुपया जुर्माना, दंड नहीं देने पर, जुर्माना नहीं अदा करने पर 1 साल का और सश्रम कारावास और 201 में भी 1 साल का सश्रम कारावास, 2,000 रुपए जुर्माना और जुर्माना नहीं अदा करने पर 2 महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। टाटा कंपनी द्वारा बारेडी बाजार का मार्ग अवरुद्ध किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। शुक्रवार से ही लोगों एवं स्थानीय दुकानदारों ने टाटा स्टील के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जो शनिवार को भी जारी रहा। बता दें कि बारेडी वर्कर्स फ्लैट के 4 दीवारी का निर्माण टाटा स्टील करने जा रही है, जिससे बारेडी बाजार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। साथ ही बड़ी आबादी को बिरसा नगर और नीलडी जाने के लिए गोलमुरी होकर जाना पड़ेगा, जिससे लोगों को अधिक दूरी तय करनी होगी। दुकानदारों का कहना है कि फ्लैट के 4 दीवारी का निर्माण होगा तो बाजार का एंट्रेंस बंद हो जाएगा, जिससे लगभग 200 से ज्यादा दुकानदार प्रभावित होंगे। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही शुक्रवार को स्थानीय विधायक सरयू राय अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और दुकानदारों की समस्या को सुना। वैसे विधायक ने साफ तौर पर कह दिया था कि दुकानदारों के हित को ध्यान में रखते हुए टाटा स्टील को काम करना होगा। वहीं शनिवार को पुनः कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे ने स्थानीय दुकानदारों की समस्याओं को लेकर विरोध जताया। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील साजिश के तहत बारेडी बाजार का अस्तित्व समाप्त करने पर तुली है। उन्होंने बताया कि 4 दीवारी निर्माण होने से बाजार में किसी अनहोनी होने की स्थिति में राहत और बचाव कार्य करने में भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिलहाल 4 दीवारी के निर्माण कार्य को रोक लगा दी गई है। स्थानीय दुकानदारों का विरोध अभी भी जारी है। जमशेदपुर के सबसे पुराने बाजारों में बारेडी बाजार भी एक बाजार है, जहां करीब 950 से 980 के आसपास दुकान है। हम लोग बहुत लंबा संघर्ष किए हैं, लड़ाई लड़े कि मैंने यहाँ मणिपाल कॉलेज आना चाहिए। मणिपाल मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आया, लोगों को ये आशा था कि ये कॉलेज आएगा तो बहुत सारा लाभ मिलेगा बाजार को, आसपास के लोगों को पीजी का सुविधा मिलेगा, बाकी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन अब यहाँ के लोगों को क्या पीजी मिलेगा? पीजी उपलब्ध कराने का ठेका टाटा कंपनी ले रही है। अब टाटा कंपनी जो है अपने क्वार्टरों को उनको भाड़े पर दे रही है कि ये जो रोड आप ये देख रहे हैं, ये रोड को भी टाटा कंपनी बंद करने जा रही है। तो उधर से मछली बाजार के तरफ से पहले ही रास्ता बंद कर दिया गया, इधर से भी रास्ता आप बंद कर रहे हैं, और इस तरफ से जो है आपका कम्युनिटी सेंटर है, आपका हेल्थ ऑफिस है, तो इधर का रास्ता पहले से ही डिस्टर्ब है। तो 3 तरफ से अगर आप बाजार को बंद कर देते हैं तो कल यदि भगवान न करे किसी तरह की दुर्घटना घट गई, किसी तरह का बात हो गया, भगवान न करे कभी आग लग गया बाजार में या कोई घटना हो गया, दमकल किधर से घुसेगा? आप चारों तरफ से बंद कर देंगे। इस बाजार में बिरसा नगर, नीलडी, 3 फ्लैट एरिया के लोग इसी रास्ते से आज बरसों से, 50 साल से यहीं से आना जाना करते रहे। अगर आप रास्ता बंद करेंगे और उनको घूम के बाजार में घुसना होगा तो वो यहाँ इस बाजार में आने की जगह वो सीधे जाना शुरू करेंगे गोलमुड़ी बाजार और टेलको बाजार। जमशेदपुर के मानगो नगर पालिका विभाग से क्षेत्र में स्वच्छता को बेहतर बनाने हेतु नए मशीनों की शुरुआत की गई,
जिसका उद्घाटन राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता एवं जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने संयुक्त रूप से किया। नगर विकास एवं आवास विभाग तथा 15वें वित्त आयोग के तहत ये तमाम मशीन एवं वाहन नगर पालिका को उपलब्ध करवाया गया है ताकि क्षेत्र में बेहतर सफाई हो सके। इसमें सफाई के कार्य में इस्तेमाल आने वाले मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीन, CNG ऑटो टॉपर व्हीकल एवं ड्रेन क्लीनिंग अटैचमेंट के साथ ट्रैक्टर, सेफ्टी टैंक क्लीनिंग मशीन, चलित शौचालय, डंपर ट्रैक्टर आदि संसाधनों को मानगों की सफाई के लिए नगर पालिका को सुपुर्द किया गया है। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इन तमाम संसाधनों का इस्तेमाल कर मानगों को स्वच्छ बनाया जाएगा। मानगो घनी आबादी का इलाका है और यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को दूर करने के लिए यदा कदा हम लोगों को या तो जिसको से इक्विपमेंट लेना पड़ता था या हम निजी संस्थानों से लेते थे, जैसे जो हमारे सेफ्टी टैंक वगैरह हैं उसके क्लियरेंस के लिए, तो वो सब सारी मशीन का हमने क्रय किया है। फिर जगह जगह कचरा उठाव के लिए हमारे पास ऐसे पहले भी हमने ट्रिपर वगैरह खरीदा था लेकिन वो कम पड़ रहे थे, तो अब हमने और एक JCB ट्रिपर, रोड में झाड़ू देने वाली मशीन, साथ ही जो है कहीं कहीं पर ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों को टॉयलेट वगैरह का भी स्थापन करना पड़ता था, कोई आयोजन वगैरह है वो सब में, तो ऐसी कुछ आवश्यकताओं के जो है इक्विपमेंट थे जो हमारे पास नहीं थे, उसको हमने अपने निकाय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा और दशा में ये एक मजबूत पहल है। जमशेदपुर में भाजपा जिला OBC मोर्चा के मंडल प्रभारी एवं नए प्रभारियों के मनोनयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया को शनिवार को संपन्न करवाया गया, जहां सभी को नियुक्ति पत्र देकर जिम्मेवारी सौंपी गई। गौरतलब हो कि विगत दिनों भाजपा OBC मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई थी और मोर्चा के गठन के बाद प्रभारियों की नियुक्ति नहीं हुई थी, जिसको देखते हुए प्रभारियों की नियुक्ति की गई, साथ ही नए पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई। बिष्टुपुर के तुलसी भवन में इस बाबत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी को नियुक्ति पत्र देकर नई जिम्मेवारी सौंपी गई। मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि ये सभी नए पदाधिकारी ऊर्जावान हैं और पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हुए सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जिला OBC मोर्चा की प्रथम कार्य समिति, जिला कार्य समिति की बैठक अभी संपन्न हुई थी विगत 5-6 दिन पहले। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे साल के कार्यक्रम को देखते हुए अपने टीम में कई एक ऐसे लोग थे जो कि कार्य तो करते आ रहे थे पर उनको कोई जिम्मेवारी नहीं मिली थी, किन्हीं को कोई जिम्मेदारियाँ नहीं दी गई थी, जिसके चलते उन लोगों को आज कुछ लोगों को जिला से जोड़ा गया और सभी मंडल के ऊपर एक प्रभारी नियुक्त किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है। OBC मोर्चा का जब से गठन हुआ था न्यू कमेटी का, उसके बाद से मंडल के प्रभारियों का घोषणा नहीं हो पाई थी, जिसके लिए आज हम लोगों ने बैठकर सभी से सहमति प्राप्त कर अपने जिलाध्यक्ष मेन विंग के रंजन यादव जी से सहमति प्राप्त करते हुए कुछ लोगों को मनोनयन पत्र दिया और जिला प्रभारी, मंडल के प्रभारी और सह प्रभारी के तौर पर अपने जिला के पदाधिकारियों का घोषणा कर एक मंडल और जिला के द्वारा समन्वय बनाने का प्रयास किया। झारखंड स्कूली वाहन संघ के द्वारा वाहन चालकों के समस्याओं को लेकर जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें स्कूलों को जल्द से जल्द खोले जाने की मांग की गई है। इस दौरान इन्होंने कहा कि विगत 16 मार्च 2020 से स्कूल बंद है और स्कूली वाहन भी ठप पड़े हैं। लगभग 2 वर्ष से स्कूली वाहन बंद होने से वाहन चालकों के समक्ष भुखमरी की स्थिति आन पड़ी है, साथ ही वाहनों के किश्त भी जमा नहीं हो रहे हैं और बैंक के द्वारा बार बार किश्त जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही वाहन चालकों के बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। ऐसे में तमाम स्कूली वाहन चालक घोर आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री से स्कूलों को जल्द से जल्द खुलवाए जाने की मांग की है। लगभग 2 वर्षों से जो है गाड़ी बंद है और हम लोग जो है दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं और हम लोग का फाइनेंशियल जो है हम लोग को बार बार परेशान किया जा रहा है
और हम लोग यही सोच रहे हैं कि सुचारू रूप से जल्द स्कूल चालू करें और हम लोग अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। हर गाड़ी वाला का यही स्थिति आज है। आज 15-15 लाख का गाड़ी जो है हम लोग का मट्टी के ढेर में मिल जा रहा है और कौड़ियों के भाव में बेचने को मजबूर है। हम लोग का बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहा है, फीस नहीं भर पा रहे हैं, स्कूल जो है प्रेशर बना रहा है, नाम काट देंगे स्कूल से हम लोग बच्चे का, हम लोग क्या करें। तो लगभग जमशेदपुर में 10,000 गाड़ी है। जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित प्रिया कुकिंग क्लासेस के नए बैच के उत्तीर्ण हुए छात्राओं को शेफ कोट तथा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद डॉक्टर जूही समर्पिता मौजूद रही। बता दें कि वर्ष में 2 बार 3-3 महीनों के कोर्स यहां करवाए जाते हैं, जिसे पूर्ण करने के उपरांत महिलाएं खुद से अपना व्यापार शुरू कर सकती हैं। इस बार कुल 16 छात्राओं ने कोर्स पूरा कर परीक्षा उत्तीर्ण की है। शनिवार को इन तमाम छात्राओं को सेफ कोट तथा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, साथ ही इनके उज्जवल भविष्य की कामना क्लासेस की संचालिका ने की। आज हमारे यहाँ प्रिया कुकरी क्लास में शेफ नाइट का प्रोग्राम था, जिसमें हम अपने 16 विद्यार्थियों को शेफ कोट पहनाए। ये क्लास 3 महीने का होता है, जिसमें हम बेकरी में हम अपने स्टूडेंट को डिप्लोमा देते हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त है, और ये 3 महीने का कोर्स होता है और ये हर साल में 2 बार होता है। तो लास्ट ईयर हुआ था 8 लोगों को किया था हमने, इस बार हमने 16 लोगों को किया। और ये यहाँ जो क्लास होता है ये बहुत दूर दूर से लोग आके इस क्लास को करते हैं, महिला और पुरुष सारे लोग ही इस क्लास को करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।